Hi students, welcome to the Nannal Pundi August 2020 day 3 class 7 subject mathematics chapter 5 lines and angles. कल तक हमने चार types of angles पढ़े थे, pair of angles भी पढ़ लिए थे जिसमें linear pair और adjacent angles आ गए थे. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं vertical opposite angle. कुछ parents की complaint है कि उनको reflex angle और adjacent angle समझ में नहीं आया. फिर भी जिसको समझ में नहीं आया मैं कोशिश करूंगा आज के टॉपिक में उनको मैं समझा सकूं. ओके, लेट्स सी. वर्टिकल अपोजिट एंगल वैसे बेटा कब बनते हैं? व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर. जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगी तब आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे लाइक दिस. ठीक है, जब ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल. लेकिन जब ऐसे हो जाएगा तब वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बनेगा. ठीक है, देख रहे हो ना, दिस टी सेक्शन बनाता है या सिर्फ एक लाइन दूसरी लाइन पे आके रुक जाती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बनता है. क्रॉस होना जरूरी है. जब क्रॉस होगा तभी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा. अपोजिट मतलब आमने सामने वाला. ठीक है, नाउ सी, लेट्स सी कैसे होता है. देखिए, जब ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब आपके पास फोर एंगल्स आएंगे. ठीक है, मैं वैसे इन लाइंस को नेम देता हूं ए बी एंड सी डी. जब ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ O पॉइंट पे, तब आपके पास चार एंगल्स आते हैं, फोर एंगल्स, नेमली दिस वन, एंगल वन टू थ्री एंड फोर, चार. एंगल वन का नाम है एंगल ए ओ डी, एंगल टू का नाम है एंगल बी ओ डी, एंगल थ्री का नाम है एंगल सी ओ बी या बी ओ सी का, दो बात एक ही है. और एंगल फोर का नाम है एंगल ए ओ सी. ये चार एंगल है. अब मैं ये फुल नेम नहीं यूज करूंगा, उनकी जगह सीधा वन टू थ्री फोर बोलूंगा पूरे इसमें अभी समझाने के लिए. ध्यान से देखना आप. ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाना बताने जा रहा हूँ. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन होंगे देखो. सबसे पहले तो ये दोनों लाइन क्रॉस हुई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट होंगे और ये इक्वल भी होंगे. मस्ट है जो वर्टिकल अपोजिट है वो इक्वल भी होगा. इट मींस एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह आपके पास एंगल टू एंगल फोर के बराबर होगी, यानी एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर. अब ना पे अटेंशन, ध्यान देना. ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है कि अगर इन चारों में से हमें सिर्फ एक एंगल दे रखा है, one angle is given to us only, then we can find the rest of the angles. बाकी सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? For example, मान लो एंगल वन 40 है. Yes? तो एंगल वन और एंगल थ्री दोनों आपस में इक्वल हो गए, कितने हो गए 40. यानी ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया. ये एग्जाम्पल मत देखना 40-40 वाला, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं. अब देखिए एंगल टू और एंगल फोर कैसे निकलेगा. अब आप सिर्फ सीडी लाइन देखो, सीडी लाइन दिखेगी आपको समवॉट लाइक दिस, एसी, यस. और एओ को देखो, क्या आपको ये स्ट्रेट एंगल बनते हुए नजर नहीं आ रहे? पहली कंडीशन, स्ट्रेट एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180. ठीक है, 180 है तो 180 में से 40 माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा 140. एंड इफ इट इज 140, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे. तो इस तरह हमने चारों एंगल फाइंड किए. कोई ज्यादा जल्दी नहीं किया मैंने, आराम से. ध्यान से देखना, कोई सी भी एक लाइन पकड़ लेना सीडी के वन साइड, कोई सी भी एक साइड आपने सीडी लाइन दी है तो 104 ले लो. और अगर आप ए बी लाइन लेना चाहते हो तो 3 and 4 ले लो या 3 and 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी लो. जो नॉन है उसके साथ एक अननोन लेंगे हम. आई बात समझ में? ओके, नाउ अब मैं आपको ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो क्लियर हुए, थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल बता देता हूँ. रिफ्लेक्स एंगल में देखिए एक बार फिर ध्यान से कि जब आप एंगल बनाते हैं तो उसमें ये सर्कल डिसाइड करता है एंगल के मार्किंग. जब ये मार्किंग हाफ सर्कल से ज्यादा होती है, ये वाली मार्किंग, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है. अगर ये हाफ सर्कल से कम है तो ये एक्यूट हो गया. बट
अगर यही दो लाइंस हैं लेकिन उनमें सर्कल ये न हुआ, ये वाला सर्कल हुआ, ये तो हाफ सर्कल से ज्यादा है, दैट मीन्स अब एंगल भी ये होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। यही मेरा स्टेटमेंट था रिफ्लेक्स एंगल का। और अब उसके बाद एडजेसेंट एंगल पे भी कि कुछ पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि एडजेसेंट एंगल फिर बताओ सर, तो अब एडजेसेंट एंगल को भी समझा देता हूँ, इसी से अब बड़े आराम से समझ में आएगा एडजेसेंट एंगल। देखिए सी ओ डी ए दो एंगल है, एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी, और तीसरा एक और एंगल है सी ओ डी, वो दो स्ट्रेट लाइन है, दैट डजेंट मैटर, फिर भी देख लेंगे एंगल सी ओ डी। ये तीन एंगल्स हैं। अब पहले देखो ये एडजेसेंट है या फिर ये वाला एडजेसेंट है या फिर ये और ये वाला एडजेसेंट है, तीनों में से कौन सा पेयर एडजेसेंट है, इनका पेयर एडजेसेंट है, इनका पेयर एडजेसेंट है या फिर इनका पेयर एडजेसेंट है, ये हमें चेक करना है। चेक करने की कंडीशन वही है, तीन कंडीशन, दोनों एंगल पर इन दोनों के चेक करते हैं, दोनों में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यहाँ एक छोड़ के दो दो कॉमन पॉइंट मिल रहा है हमें, ओ और ए, लेकिन ओ हमारा वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, जहां से एंगल बन रहा है, सो इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स हो गया ओ, कॉमन आर्म हो गई ओ ए, और कॉमन आर की दोनों तरफ साइड्स हैं, तो यस ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। नाउ अब आगे इन दोनों को देखो, ए ओ सी और सी ओ डी, दोनों में कॉमन पॉइंट ओ है, कॉमन आर्म सी ओ है, लेकिन सी ओ की दोनों तरफ हमारे साइड्स नहीं है, देखो सी ओ के एक तरफ तो साइड है लेकिन सी ओ के इस तरफ साइड नहीं है, सो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ए ओ डी और सी ओ डी में भी देखो कॉमन वर्टेक्स तो ओ हो गई और कॉमन आर्म ओ डी हो गई, अब ओ डी के दोनों तरफ साइड से नहीं है, ओ डी के लेफ्ट साइड में तो है, राइट साइड में बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ। इस तरह हमने एडजेसेंट एंगल दोबारा फिर समझा बेटा, ठीक है। आगे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कप्लीमेंट ऑफ द गिवन फॉलोइंग एंगल्स, नीचे दिए हुए एंगल्स का कप्लीमेंट फाइंड कीजिए। कप्लीमेंट का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो एंगल्स का सम 90 होता है, और अगर इनमें से एक दे रखा हो तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 माइनस गिवन एंगल करके, यहाँ उसने हमें 20 दे दिया और दूसरा एंगल फाइंड कराया, कप्लीमेंट इक्वल्स टू 90 माइनस गिवन एंगल, तो गिवन एंगल कितना है 20, तो 90 माइनस 20 70, इस तरह हमारा कप्लीमेंट आया। क्वेश्चन नंबर टू आपको इसको फर्स्ट का सेकंड आपको करना है, थर्ड मैंने करा दिया वापस, 57 है फिर इसका कम्प्लीमेंट निकालो, कम्प्लीमेंट 90 माइनस गिवन एंगल, 90 माइनस 57 33, ठीक है बेटा आया समझ में। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट पता है मुझे क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिख दिए पहले बोर्ड पे, अब देखिए इधर अब आगे से नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन टू, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, सप्लीमेंट फाइंड करना है तो सप्लीमेंट में हमने क्या करना है, 105 दे रखा है, 105 का सप्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या करा, 180 माइनस गिवन एंगल, 180 माइनस 105 दैट इज 75। नाउ नेक्स्ट 154 है, 154 का सप्लीमेंट फाइंड करना, 180 माइनस गिवन एंगल दैट इज 180 माइनस 154 दैट इज 26। ओके इसमें भी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ा है, वो भी आपको खुद को करना है, आई बात समझ रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कप्लीमेंट्री एंड व्हिच आर सप्लीमेंट्री, चेक करोगे कौन से कप्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। चेक करने का बहुत आसान तरीका है, जिन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा होगा वो तो कप्लीमेंट्री हो जाएंगे, और जिन दो एंगल्स का सम 180 आ रहा होगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। फिर देखिए दोबारा, अगर कोई दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है तो वो कप्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल में इनका कप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री का एक एक में बता दूंगा, बाकी बचे हुए आपको करने हैं। देखिए थर्ड का फर्स्ट, इसने कहा है एंगल से 65 एंड 115 डिग्री, इन दोनों को चेक करो, तो कुछ नहीं करना आपको, तो बस इनका सम करना है,
हम चेक कर रहा है एफ आर 10 का 0 टेलीकॉन 6 7 हो रही है 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गए तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड 63 27 दोनों का सम करो 90 90 आ गए तो ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है आई बात समझ रहे। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3rd के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको खुद कर लें। कोई ज्यादा हार्ड नहीं बेटा, एडिशन है, एडिशन कर सकते हो। आप 7th क्लास के बच्चे हो, इतना तो हम एज्यूम करते हैं कि आप 7th क्लास में एडिशन तो करोगे। दैट्स इट, बाकी 4 क्वेश्चन से करो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल फाइंड करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। अब कौन है अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर, वी डोंट नो। तो हमें इस केस में ऐसे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे करता है क्वेश्चन। देखिए भाई, एक दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 90 है, लेकिन वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब वो एंगल जो भी बन रहा है और वो दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या इक्वल, ये क्वेश्चन कहता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ा, दोनों ही नहीं पता बेटा आप लोगों को, तो लेट करना पड़ेगा। लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया एक्स। अब सीधी सी बात है, आपको क्या पता है एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट दोनों मिला दोगे तो क्या बन जाएगा 90, क्योंकि है तो दोनों ही एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री के पार्ट है, तो दोनों का सम कितना होगा 90। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस नाउ पुट द वैल्यूज एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90। नाउ एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू, जैसा कि हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था, और x equals to 90 upon 2, 45, so angle equals to complement equals to x equals to 45 degree। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। सप्लीमेंट्री का उसने कहा कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है और दोनों सप्लीमेंट है एक दूसरे के, तो सप्लीमेंट है तो क्या होगा, बस यहाँ चेंज आएगा, एंगल एक्स होगा सप्लीमेंट एक्स होगा, और एंगल प्लस सप्लीमेंट इक्वल्स टू 180 कितना आएगा 180। आई बात समझ में, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा कितना क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं। ओके तो ये आज का हमारा इतना ही है, बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स बाय।